लाइफलाइन नर्सिंग होम एवं जर्नल हॉस्पिटल प्राइवेट व जर्नल वार्ड एवं एम्बुलेंस सुविधा प्रत्येक शुक्रवार शनिवार व रविवार को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। हमारा पता है विद्या विहार कॉलोनी के बाजू में सहजपुर तेराहा देवरी। देश में चीन की कायराना हरकत से देश के बहादुर 20 जवान शहीद हो गए। उसी चीन का जहर कोरोना वायरस आए दिन देश को खोखला कर रहा है। देश में कोरोना वायरस ने जमकर तबाही मचाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल के बाद बुंदेलखंड में भी कोरोना वायरस ने परिवार के परिवार उजाड़ दिए हैं। आज सागर में फिर कोरोना पॉजिटिव 6 मरीज मिले हैं, जिसमें एक महिला के साथ 5 पुरुष शामिल हैं। तिली रोड में मेडिकल व्यवसायी जिनकी उम्र 60 साल बताई गई है, वह कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं गुरु गोविंद सिंह बार्ड के 72 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है, जबकि 60 साल के गोपालगंज के बुजुर्ग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। साथ ही 54 साल के बाहुबली निवासी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके साथ 45 साल के सनीचिरी निवासी कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं, जबकि 70 साल की एक महिला जो संत कंवर दास बाड़ की रहने वाली है, वह कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही है। 17/6/2020 को बीएमसी की वायरोलॉजी लैब से प्राप्त परिणाम के अनुसार 6 व्यक्तियों की रिपोर्ट सागर में पॉजिटिव आई है, जिसमें पहले एक पुरुष है 72 वर्षीय जो गुरु गोविंद सिंह वार्ड से है, दूसरे पुरुष है ये 60 वर्षीय हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं, एवं तीसरे पुरुष जो हैं ये 60 वर्षीय हैं, ये तिली रोड के रहने वाले हैं एवं मेडिकल व्यवसायी हैं। इसके अलावा एक और पुरुष है जो 54 वर्षीय हैं और बाहुबली कॉलोनी निवासी हैं। इसके अलावा जो पांचवें पुरुष हैं वो 45 वर्षीय हैं और सनीचरी के निवासी हैं, और इनका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था, अब ये बीएमसी में शिफ्ट कर दिए गए। इसके अलावा छठवीं जो हमारी मरीज है वो 70 वर्षीय वृद्धा है जो अपने संत कंवर राम वार्ड सागर की निवासी है, इनको भी बीएमसी में शिफ्ट कर लिया गया है, सभी का यहाँ इलाज चल रहा है। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि 4 लोग जिनका इलाज चल रहा था वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और उनको आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक सागर में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 272 हो गई है, जबकि 205 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। चीन देश से आया कोरोना का दंश आज भी हमें परेशान कर रहा है, तो उसकी साजिश से पूरी दुनिया परेशान है। बीते दिन उसने हमारी प्यारे प्यारे से जवानों पर हमला किया, उन्हें हत्या थे, हमारे जवानों के हाथ में हथियार नहीं थे, वह देश पर कुर्बान हो गए। हमें कोरोना को अब हराना है, यह निर्णय अब हमें करना होगा। देश के लिए आज जरूरी हो गया है कि कोरोना पर अहम जीत दर्ज करें। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहने का जतन करें, यही देश के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होगी। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सागर।